हेलो सुपर फैंस, मेरा नाम है सोहेल और आप देख रहे हैं सुपर हीरो का निकलता। आज हम बात करने वाले हैं डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स कॉमिक सीरीज के बारे में। ये कॉमिक सीरीज चार इश्यूज में आए हैं और हम भी इसी चार पार्ट में ही वीडियो बनाएंगे। जिस तरह से मेरी लास्ट कॉमिक की वीडियो जिसका नाम था वर्ल्ड वॉर सीरीज, जो टोटल पाँच इश्यूज या छः इश्यूज में आई थी, पता नहीं मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। तो पहले आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मुहर्रम का वक्त चल रहा था और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि मेरा खुद का भी इंटरेस्ट नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं हमेशा मुहर्रम में ही था। तो मेरी घर वापसी हो चुकी है और मैं सुपर हीरो कंक्लूजन में वापस आ चुका हूँ। तो आज ये कॉमिक्स जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये कॉमिक काफ़ी धमाकेदार है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का एक कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा कि ये कहानी अर्थ 616 पर नहीं हुई है, ये हुई है दूसरे अर्थ 121101 पर हुई है। और ये कहानी शुरू होती है वॉचर के साथ, जो सब कुछ देखता है। वॉचर कहता है, मैंने हर कुछ देखा है, मैंने अपने सामने गॉड्स को बनते हुए देखा है, उन्हें धूल बनते देखा है, यहाँ तक कि मैंने सेलेस्टियल बॉडीज को एक प्लैनेट बनता हुआ देखा है। उसने ना जाने कितने सारी स्टोरीज को देखा है और अर्थ को एब्जॉर्व किया है। उसने ना जाने कितने सारी स्टोरी का वो खुद हिस्सा रह चुका है। तो ये स्टोरी भी कुछ उसी तरह की है। हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीड रिचर्ड पूरी तरह से घायल रहता है, वो भी इनविजिबल वुमन सुजैन की बाहों में। रीड अब खत्म होने वाला है और वो कहता है कि कुछ चोरी हो चुका है, और उसके साथ ये भी कहता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है और तुम कहीं छुप जाओ बाकी सबके साथ। जिस पर सुजैन कहती है कि अब ना बैन रहा, यानी कि द थिंग भी अब नहीं धूल बन चुका है। जिस पर सुजैन से पूछती है, तुम्हारी ये हालत किसने की और हमारे बच्चे कहाँ हैं? जिस पर रीड रिचर्ड कहता है, मैंने उसे पोर्टल का यूज़ कर उसे एक दूसरी डायमेंशन में भेज दिया है जहाँ वो सेफ रहेंगे, और वो है नेगेटिव जोन, यानी कि बेंटन की भाषा में बोले तो नल बॉयट। और मैंने उस पोर्टल को तोड़ दिया है ताकि कोई उनका पीछा ना कर सके। और जहाँ तक रीड के बेटे का बात है, जिसका नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो है, वो भी मेन यूनिवर्स का। और ये कहकर रीड मर जाता है, जिसपे एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके को देखने के लिए सुजैन जाती है मगर इनविजिबल होके, जिस पे वो देखती है कि जॉनी गिरा हुआ है, यानी कि ह्यूमन टॉर्च, और उसके ऊपर गिरा हुआ है फैंटास्टिक फोर का जेट। फिर हमें दिखाया जाता है और डेडपूल कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे लड़ते हो, और मुझे इस बात का दुख रहेगा कि मैंने इतने अच्छे वॉरियर को ख़त्म कर दिया। और वो कहता है, मुझे तुम्हें मारने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं उसे मार रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मगर क्या करूँ, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूँगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा, और कुछ सही करने के लिए कुछ गलत करना ही पड़ता है। और ये कहकर वो स्टॉर्म का गला काट देता है, जिससे खून के छींटे निकलते हैं और वो छींटे जाकर सीधा इनविजिबल वुमन के ऊपर गिरते हैं। जिस पे डेडपूल कहता है, ओहो तुम यहाँ बैठी हो, मैं बहुत सोच रहा था कि मैं तुम्हें आखिर कैसे देख पाऊँगा, फाइनली ये रास्ता मिल गया। जिस पे वो अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है कि अब मुझे ये भी देखना है कि जिस तरह से बाकी सब लड़े हैं, क्या वो भी कुछ इस तरह का ही लड़ती है। मगर तभी सुजैन एक फोर्स फील्ड बनाकर डेडपूल के सर पे घुस जाती है और उसका सर फाड़ देती है। सुजैन समझ नहीं पा रही है कि आखिर डेडपूल ने क्यों फैंटास्टिक पूरे परिवार को ख़त्म किया, मगर फिर वो सोच रही है कि शायद किसी दुश्मन ने, जो फैंटास्टिक फोर का दुश्मन है, उसने ही डेडपूल को उन्हें मारने के लिए भेजा हो। सुजैन अपने आप से ही कहती है, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब डेडपूल किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मगर तभी डेडपूल सुजैन के पीठ पर तलवार घुसा देता है और कहता है, जब तक पूरी दाढ़ी ना बनाओ तब तक उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बहती हुई हवा में थूकना कभी नहीं चाहिए, और तीसरी बात कि अपने डरते हुए दुश्मन की तरफ पीठ कर नहीं घूमना चाहिए, खासकर उस दुश्मन की तरफ जो थोड़ी देर में ठीक होने ही वाला है। फिर वापस से हमें वॉचर दिखाया जाता है और वह कहता है, इस तरह से मार्वल की सबसे पहली सुपर हीरो फैमिली खत्म हो चुकी है। मगर ये कहानी की स्टार्टिंग यहाँ से बिल्कुल नहीं हुई है, इसकी कहानी कहीं और से स्टार्ट हुई है, और उसके लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा और हमें कहानी की गहराइयों को जानना होगा। हमें पहुँचना होगा रेवेंस फोर्स असाइलम में। ये रेवेंस फोर्स असाइलम वही है जहाँ पर इलेक्ट्रो को रखा गया था ये अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में। ये सब शुरुआत होने का कारण है डॉक्टर बेंजामिन को एक आइडिया मिला, जितने भी खराब दिमाग वाले इंसान हैं उन्हें ठीक किया जा सके ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। डॉक्टर बेंजामिन ब्राइटन ने कई सारे खराब दिमाग के लोगों को, बुरे लोगों को बंद कर रखा था उस असाइलम में, और उनका प्लान कुछ और था। मगर तभी एक नर्स आती है
जो आकर कहती है कि वो लोग आ गए जिन्हें आपने बुलाया था। तब हम एक्समैन की टीम को देखते हैं जो डेडपूल को एक स्ट्रेचर में बांधकर लेकर आ रहे होते हैं, जिस पर डेडपूल कहता है कि हाँ तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया, मगर अब मेरी बारी है और मुझे खोलो ताकि मैं तुम में से किसी एक को इसमें बांध सकूं और शुरुआत में स्टॉर्म तुमसे करूंगा। जिस पर वुल्वरीन कहता है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर से, मुझे कुछ ठीक बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मैं जानता हूँ कि वेद हमसे बिल्कुल नहीं संभलता, मगर हम उसे इस असाइलम में छोड़कर एक नया दुश्मन तो नहीं बना रहे। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि अब इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि वेद को मदद की ज़रूरत है और वो हमारी मदद तो बिल्कुल नहीं ले रहा, तो उसे डॉक्टर से ही अब मदद लेनी होगी। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर उसका ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखेंगे और यहाँ के डॉक्टर इसके लिए कैपेबल भी हैं। डॉक्टर कहते हैं चार्ल्स जेवियर से कि उनके तरीके भले ही एक आम जैसे बिल्कुल ना लगे, मगर वो वेट जैसे कितने सारे सरफेरों को ठीक कर चुके हैं। डॉक्टर बेंजामिन कहते हैं कि हम इस बात की कंफर्मेशन करते हैं कि डेडपूल हमारे लिए एक स्पेशल केस है और हम उसे स्पेशल ट्रीट ही जरूर देंगे। जिस पर डेडपूल चिल्ला के कहता है मेरा इंस्टीट्यूशन के साथ बिल्कुल भी अच्छा संपर्क नहीं है, ना जाने मेरे कितने सारे चेक बाउंस हो चुके हैं और मेरी बीबी ने मुझे तलाक भी दे दिया है और मैंने एक म्यूजियम तक को भी जला दिया है। जिस पर डॉक्टर बेंजामिन प्रोफेसर एक्स से कहते हैं वो वेट को समझ चुके हैं और उसका केस वो पर्सनली हैंडल करेंगे। दिखाया जाता है दो लोग जो एक टाइट जैकेट में डेडपूल को वेट यानी कि वेट विल्सन को बांध कर डॉक्टर बेंजामिन के पास लेकर आते हैं, जिस पर डेडपूल कहता है अगर डिनर के बाद इस तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं तो तुम लोगों का फैशन सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डेडपूल इतना बड़बड़ इसलिए करता है क्योंकि उसके दिमाग में ना जाने कितनी सारी आवाजें गूंजती रहती है और उसे अलग अलग चीज़ें बताती रहती हैं, जिस पर एक आवाज़ उसे कह रहा होता है कि वो आखिर मिड प्रोस कैसे हो सकता है जिसे हमने पिया हो ना कि खाया हो। डॉक्टर बेंजामिन अपने स्टाफ को बोलते हैं तुम लोग चले जाओ और डेडपूल को कहते हैं तुम यहाँ बैठ जाओ और वो कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक दूसरे को जान पाएंगे ताकि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सके, मैं तुम्हें ठीक करने में और तुम मुझे ठीक करने देने में। जिस पर डेडपूल के दिमाग में एक आवाज़ आती है जो उसे इंडिकेट करा रहा होता है कि शायद ये डॉक्टर डेडपूल का बेस्ट फ्रेंड बनना चाह रहा है। डेडपूल कहता है कि ऐसा काफ़ी दिन बाद हो रहा है कि मैं किसी से शांति से बात कर रहा हूँ और यहाँ कोई खून खराबा भी नहीं हो रहा है। जिस पर डॉक्टर कहता है तुम ही बताओ हम कहाँ से शुरू करें। जिस पर डेडपूल के दिमाग से आवाज़ होती है कि वही इंडियन फिल्म की एक ज़बरदस्त कहानी सुना दो, मैं एक गरीब लड़का था, मेरी एक जवान बहन थी, ये वाली कहानी तो मैं बिल्कुल नहीं सुनाने वाला। एक और आवाज़ आता है उसके दिमाग में जो कहता है कुछ और स्टोरी सुनाओ। जिस पर डेडपूल कहता है मैं एक कोयले की खुदाई करने वाला का बेटा था और मेरी माँ ने मुझे कभी दूध नहीं पिलाया, बल्कि आसपास के लोग औरतों ने भी उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा। फिर डेडपूल रुक जाता है और कहता है तुम आकर ये सब लिख के नहीं रहे, मैंने जहाँ तक देखा है कि डॉक्टर ये सब को नोट करते हैं। जिस पे डॉक्टर कहता है क्या तुम एक ट्रेन असैसिन हो जो हर तरह के फाइटिंग स्टाइल में माहिर है, जिसके रीजेनेटिक फैक्टर ने उसे ना मरने वाला एक दरिंदा बना दिया हो। जिस पे डेडपूल के दिमाग से दो आवाज़ आती है, जिस पे एक आवाज़ कहता है कभी ना मरने वाली बात, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, दूसरी आवाज़ कहती है ना जाने कितने सारे दोस्तों ने मुझे मारने की कोशिश की है। फिर वो डॉक्टर से कहता है सुनो मेरी बात, जिस पर डॉक्टर कहता है तुम सुनो मेरी बात, तुम्हारी मेरी बात को ध्यान ना देने की और बेमतलब की बकवास करने से तुम बिल्कुल एक खराब फाइटर हो जिसे सिर्फ बकना आता है ना कि लड़ना। जिस पर डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हारा इलाज मैं नहीं साइकोमैन करेगा। डेडपूल कहता है हाँ तुम्हारी बात लगभग सही है, इसलिए मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता, यहाँ तक कि मैं बिस्तर में भी बिना ध्यान से ही रहता हूँ, सिर्फ अपना काम कर लेता हूँ और निकल लेता हूँ। जिस पर डॉक्टर कहता है मैं तुम्हें ठीक बिल्कुल नहीं करना चाहता, मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग की हर कुछ को मैं खाली कर दूँ और तुम्हें अपने विलन की ग्रुप में रख लूँ। और वो एक डिवाइस निकालता है और वो डेडपूल के दिमाग को ट्रिगर करता है। इस डॉक्टर के दिमाग में एक साइकोमैन है जिसका मोटिव है कि डेडपूल जैसे कई सारे हीरोज और विलन को लेकर एक आर्मी बनाया जाए ताकि वो इस दुनिया में अपना राज कर सके। डेडपूल को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि उसके दिमाग में जो आवाज़ें हैं वो भी कह रही होती है सब कुछ बंद हो जाओ। जिस पर डॉक्टर कहता है हमारा प्लान बस पूरा होने ही वाला है, हम जो चाहते हैं वो तुम करोगे डेडपूल। फिर डेडपूल कुछ इस तरह से चिल्लाता है कि निकल जाओ मेरे अंदर से, निकल जाओ मेरे दिमाग से। जिस पर डॉक्टर कहता है अब हमारा काम हो गया, पर डेडपूल की सारी आवाज़ें गायब हो गई हैं। फिर उसे एक नई आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है हेलो वेड, जिस पर डेडपूल डॉक्टर की तरफ मुड़कर कहता है तुम्हें मुझे फिर से चेक करना चाहिए क्योंकि ये सब तो अभी शुरू हुआ है। तभी डेडपूल अपना जैकेट को फाड़कर डॉक्टर को पकड़ लेता है
और तभी डॉक्टर का दिमाग खुलता है और उसमें से निकलता है साइकोमैन। और साइकोमैन निकलते के साथ डेडपूल को आदेश देता है कि मेरी बात सुनो, जिस पर डेडपूल कहता है सॉरी मैं किसी की बात नहीं सुनता, तुम्हें अब मेरी बात सुननी होगी और तुम्हें यह काम करना होगा कि मेरे रिलीज फॉर्म पे अभी जाके साइन करो। और फिर डेडपूल साइकोमैन को उठाकर टेबल पर पटकना शुरू कर देता है, जिसपे साइकोमैन वहीं मर जाता है। फिर डेडपूल की जो नई आवाज़ दिमाग में आ रही है वो कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा अच्छा, तुम्हें इसके लिए नेशनल अवार्ड तक मिलना चाहिए। जिस पे डेडपूल पूछता है तुम आखिर हो कौन, जिस पे वो आवाज़ कहता है तुम्हारा काम वो जानने का नहीं, तुम्हारा काम है जो काम तुमने शुरू किया है उसे अंजाम तक लेकर जाओ। फिर डेडपूल उस असाइलम में पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है, जिस पे वहाँ के बाकी सारे जो कैदी हैं वो कहते हैं हमें आज़ाद कर दो, जिस पे डेडपूल कहता है सॉरी मगर मैं तुम्हारे साथ इससे भी अच्छा करने वाला हूँ और जो होगा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और फिर डेडपूल पूरे रेवन फोर्स असाइलम को जला देता है। और डेडपूल पूरे असाइलम को जब जला देता है तब वो उस आवाज़ से पूछता है बाकी सारी आवाज़ें कहाँ गई, जिस पे वो आवाज़ कहता है कि तुम्हें उन आवाज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ ज़रूरत मेरी है और मुझे तुम्हारी। फिर हमें वॉचर दिखाया जाता है जो कहता है कि ये अगर किसी और यूनिवर्स में होता तो साइकोमैन शायद जीत जाता और उसका जो उसे करना था वो कर लेता या बाकी सारे हीरोज उसे रोक लेते, मगर इस यूनिवर्स में उन्होंने एक नए किलर को जन्म दे दिया है। और तभी वॉचर को एक जोरदार झटका लगता है। फिर हमें समझ में आता है कि आखिरकार वॉचर को झटका किसने लगाया, उसे डेडपूल ने लगाया। और डेडपूल के पास वो चीज़ है जो उसने रीड रिचर्ड से चुराई थी, रीड रिचर्ड ने इसे बनाया था ताकि वो वॉचर जैसे लोगों को भी सबक सिखा सके और डेडपूल ने उसी का यूज़ किया। जिसपे वॉचर कहता है मेरा तो कुछ लेना देना भी नहीं था तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और आखिरकार डेडपूल ने वॉचर को देखा कैसे, जिसपे डेडपूल कहता है मुझमें एक खराबी है कि मैं वो भी देख सकता हूँ जो बाकी लोग नहीं देख सकते। फिर डेडपूल अपने दिमाग से कहता है आखिर वॉचर किससे बात कर रहा है, फिर सोचता है कि क्या फर्क पड़ता है और ये कहकर वो वॉचर का गला काट देता है। फिर डेडपूल कहता है आखिर वॉचर जिससे भी ये सब कह रहा हो तो वो अपनी आँखें खुली रखे क्योंकि उसे अब और भी खून खराबा देखना है। और ये कहकर ये कहानी यहाँ पर अभी ख़त्म होती है और बाकी की हम सेकेंड स्टोरी में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अब आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको कुछ नहीं वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वो बेल आइकन दबा देना है ताकि मेरे इस वीडियो का जो सेकेंड पार्ट आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा किसी और कंक्लूजन के साथ। तो तब तक के लिए टिल देन बाय। But the weight pulls me down.